अवार्ड देवा देने के बाद हमको बोला तो आप कपिलेंस करके दो शब्द बोलिए। तो इसी से हम हमको एक स्टोरी बताया। हम बोला कि हम क्या बोलेंगे, हम तो बोलना नहीं आता है, तो आप जो अवार्ड देता है इसलिए जो हम शॉर्ट स्टोरी हम राइटर है तो हम चाहता है एक स्टोरी बोलेंगे। हमारे बोलने से कुछ नहीं है, हम इस पर स्टोरी बोलेंगे। तो मेहरबान के ये आप सुनिए, बहुत बड़ा स्टोरी नहीं, खूब छोटा स्टोरी है, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता तो बोल दीजिए, हम स्टॉप कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो स्टोरी यही है कि एक गांव में एक ब्राह्मण बामड़े है, बामड़े है संताल ग्राम में गया है, ब्राह्मण संताल ग्राम में गया, तो सांताल लोग को सामने में संस्कृत श्लोक बोलना है, संस्कृत बोलना है। हर दिन वो तो ठोकाता है ना, है वो चालाक आदमी है, तो संताल लोग को सामने वो संस्कृत श्लोक बोलता है, तो वो सांताल लोग बंगाल भी आता नहीं है, तो संस्कृत क्या बुझेगा, वो सुन जाता नहीं, फिर भी वो क्या है वो बोल रहा है, और संताल लोग सुना है कुछ नहीं, मने समझ नहीं आता है, फिर भी सुनता है। और ये सोचता है कि इतना वो बोला, उसका बुद्धि बहुत है, नहीं तो ये इतना कैसे बोल सकता है, तो बहुत बुद्धि है। सातार लोग एक 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 करके 10-15-20 हो गया नजदीक, आर बामड़े को अच्छा लगता है, तो हमको तो अच्छा है, वो तो संस्कृत बोल रहा है, वो ये करके तो हमारा आदिवासी लोग को तो जोड़ी पुटी बुजुर्गी ये तो है, तो आपको भी हो सकता है। तो हमारे उधर का आदिवासी लोग सोचता था, जो मैंने आदिवासी लोग का आइडियोलॉजी है यही, जो बच्चा लोग ना ये होते हैं ना, सर्दी ये ज्वर होता है, तावा मतलब टाइम टू टाइम ये होता है, तो वो आदिलों से क्या करते हैं, वो जे भालू को चूल है, भालू को बोलते हैं जे बियर रीच हाँ, रीच का वो चूल मधुली करता है, मधुली करके पहन देंगे, बनाता है, तो मधुली पहने से वो ताल चला जाएगा, तो उसका आइडिया यह है। तो एक आदिवासी संतान लोग सोचा, वो जो टुला है ना चूल्हे, वो लड़ता है, तो हमको भी वो मधुली करना है, तो हमको एक बुद्धि बढ़ जाएगा। उसकी चोटी दिखा है आज, संताल लोग तो कुछ नहीं, वो तो संस्कृत क्या बुझेंगे, तो ये बुझा गया इसका बुद्धि बहुत है, बहुत बोलता है। तो हमको भी वो चूल चोटी बाल निकाल के मननी कर मनाना है, मननी करने से तो अच्छा बुद्धि होगा, बढ़ जाएगा। इस तरह सोचा, वो पीछे जह कर वो दो खींच लिए रखूँ। ब्राह्मण बुझा लेकिन वो क्यार नहीं किया, कोई बात नहीं, क्यार नहीं किया, कोई बात नहीं। तो दूसरा एक आदमी इसी तरह सोचा है, तो वो भी एक खींच लिया, तो एक पर दो पर वो तीसरा आदमी क्या हो, अरे ये आप मंदली करेंगे हमको ये होगा, ज्ञान आ जाएगा, ओ सही, तो हमको भी लेना है। तो इसके लिए पूरा 20-25 बुद्ध इतना तो नहीं है, तो जभी चूल था वो खींच लिया ब्राह्मण को, खत्म मैंने चूल चिड़ी लिया, वो लाल हो गया है, बहुत लोग हंस रहा है लेकिन मंत्री लोग बा प्रेसिडेंट लोग को समझ गया है, हमको बोले किसको जी आपका स्टोरी शॉर्ट कीजिए, वो बुझ लिया। तो हम बोला सर हमका स्टोरी शॉर्ट लगे, वो तो खत्म हो गया है, खत्म हो गया क्योंकि वो ज्यादा मैंने बुद्धि दिखाने से तो वो उसका ये चला गया
हमारा स्टोरी यही है कि ख़त्म हुआ, लेकिन बोलना चाहिए हमको हमको इसी तरह हुआ है कि इसी तरह होगा, क्योंकि काल से लास्ट डे यस्टरडे से टुडे दोनों दिन जो सुना है हमको कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता। वो अमेरिकन वाला किया, साम्राज्यवाद किया, हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन यह हमको ये है जो आपका मैंने बुद्धि बहुत है आपका बुद्धि बहुत है, पता नहीं हमको तेरा जो बुद्धू है वो कब छीन लेंगे आप लोग के छीन गए जे आपको इतना बुद्धि है साम्राज्यवाद समाजवाद मार्किन ये के बाद हमको कुछ पता नहीं, कुछ हमको समझा भी नहीं, लेकिन यह समझा आपका बुद्धि बहुत है ओ पब्लिक तो बहुत हाथली दिया, लेकिन मिनिस्टर लोग को तो अच्छा नहीं लगा तो वो मिनिस्टर बोला जी ओ तो स्टोरी राइटर है वो बोल सकता है तो स्टोरी ऐसा ही होता है, लेकिन 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 ये मैंने वास्तव में ऐसा नहीं हुआ होगा अच्छा वो बोल रहे जो भी बोलो हमको तो इसी तरह गवर्नमेंट आज वो बामफ्रंट लोग को कोई ये नहीं है, मैंने छीड़ दिया सो उधर जो है बंगाल पे सब कम्युनिस्ट चला गया हाँ, वो 34 इयर्स ये मैंने कंटिन्यू उधर का गवर्नमेंट था हाँ, और उसी टाइम हम बोला जी एक दिन आएगा वो ब्राह्मण को तेरा आपका होगा, हम उसी टाइम पे बोल दिया आज दस बीस वर्ष पहले हम बोल दिया जी वो जाप तो हमको तो अवार्ड देना था उधर, हम भी वो बोल दिया क्योंकि हम कभी किसी को ये से हम नहीं रहेंगे हाँ, हमको जो बोलना चाहिए या फीलिंग्स होगा वो हम बोल देंगे, आप अवार्ड देंगे नहीं देंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।